रामदास जी तन गुरु 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 रामदास जी मैं चारे कुंडा पानिया तुझ जे वडना साइया
क्यों प्रभु मिलाया
तुझे वटना साईया, तुझे वटना साईया। मैं चारे कुंडा पा
धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी। श्री हरमंदर साहिब गुरु रामदास जी का दर, जो पहली बार जाता है हैरान हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। थोड़ी समझने वाली बात है ये, जो पहली बार जाता है हैरान रह जाता है देखकर, पर जिसकी सूरत थोड़ी सी भी ऊपर चढ़ी होती है ना सत्संग जी, थोड़ी सी भी सूरत ऊपर उठी हुई है दुनिया में से, वो मिसवाद में खो जाता है जब हरमंदर साहब पहुंचता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विस्माद में जितने भी धर्म के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब एक बार हरमंदर साहिब जरूर जाते हैं, बार बार जाते हैं जो एक बार चला जाता है। ऐसी एक नहीं, सौ नहीं, हजारों घटनाएं हैं। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। संत श्री विनायक राव जी का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े महापुरुष हुए हिंदू धर्म के, संत श्री विनायक राव जी। वो जब पहली बार हरमंदर साहिब गए, दर्शन किए, माथा टेका, सरोवर के किनारे से आगे ही नहीं बढ़ पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सेवादार साथ में है, कई साथ में है, कहते हैं चलो अंदर माथा टेकाए। संत श्री विनायक राव जी कहते हैं पहले यहां से दर्शन करके तो मन भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि सूरत ऊपर उठी हुई थी, काफी देर बैठे रहे, कुछ घंटे बैठे रहे, उसके बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार पूछते हैं क्या हुआ? ये सारी घटना किताब में लिखी हुई है, क्योंकि साथ में इतने बड़े जब महापुरुष आए थे तो हरमंदर साहिब की कमेटी के कुछ बड़े मेंबर्स भी साथ में थे, दर्शन कराने लेके जा रहे थे। यहाँ से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे आना इसे कहते हैं, विनायक राव जी कहते हैं आना इसे कहते हैं। सबने पूछा भी क्या भाव निकला इस बात का। कहने लगे गुरु नानक पातशाह धरती पर आए पर आकर गए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बाणी के रूप में 24 घंटे हरमंदर साहब में बाणी चलती है, 24 घंटे। कहते बाणी के रूप में गुरु नानक यहीं पर ठहर गए। जिसकी सूरत ऊंची उठी होगी वो प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का दर सत्संग जी, क्या कहूं मैं, अक्षर कम पड़ जाते हैं, किताबें छोटी पड़ जाती हैं। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
एक बड़ी प्यारी घटना है। एक्चुअली जो दास घटना सुनाने जा रहे हैं ऐसी रोज सैकड़ों घटनाएं वहां पे रोज होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक नाम आया है, ये सारी घटना महापुर सुनाया करते थे, उनका कोई मित्र था जिसका नाम आया भाई तरसेम सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चलता है गुरु रामदास जी का दर क्या है, कोई भावना श्रद्धा से जाए तो सही, किसी को पता तो हो वो क्या है। तरसेम सिंह गरीबी है पर गुरसिख है, पक्का गुरसिख है, नित्यनेमी है, अमृत वेले उठ के नाम जपता। पिछले कोई कर्म आगे आ गए, गुरु इम्तिहान भी तो लेता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पक्का गुरसिख है, गरीबी है घर में पर संतोष है, कभी शिकायत नहीं कि गरीबी है, परिवार भी सारा गुरु घर से जुड़ा हुआ है। हरमंदर साहब रोज माथा टेकने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कर्म ऐसे आ गए आगे कि कैंसर पता चल गया, डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, वो भी गले का कैंसर, यहाँ पर एक अंदर बहुत बड़ा, और वो भी लास्ट पता जब चला तो लास्ट स्टेज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घटना बहुत बड़ी है दास, शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय कम है और बहुत कुछ मेरा मन करता है बताने का। आखिरी स्टेज, तीन चार डॉक्टर्स को दिखाया, तीन चार चेकअप्स कराया अलग अलग जगह पर, रिपोर्ट सबकी सेम कि आखिरी स्टेज है, अगर अर्जेंटली ऑपरेशन नहीं कराया तो बचना नामुमकिन है। अब ऑपरेशन का खर्चा इतना कि सुनकर वो परेशान हो गया। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घर में गरीबी है, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना सारा खर्चा कहाँ से करें। पर घर वाले कहने लगे, बच्चे कहने लगे, कोई बात नहीं पिताजी, घर बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, पर आपको ऑपरेशन कराएंगे, आपको ठीक होना है। पर तरसेम सिंह विचार में पड़ गया कि सारा घर रास्ते पर आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे को ऑपरेशन के लिए, परेशान है। परेशान होकर कहां पहुंच गया, गुरु रामदास जी के दर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वहां पर घर वाले मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये बिना बताए हरमंदर साहब आकर बैठ गया, अंदर नहीं गया, दर्शनी ड्योड़ी के बाहर जहां लिखा होता है ना, डिठे सब्बे थाव नहीं तुझ जेहिया, वो पढ़ा और पढ़कर रुक गया, वहां पर भीतर नहीं गया। मन से पुकार निकली, हे गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ये वचन लिखे हुए हैं, डिठे सब्बे थाव नहीं तुझ जेहिया, के सारे लोग देख लिए, खाली पृथ्वी नहीं, सारे लोग देख लिए, सारे लोगों में तेरे दर जैसा कोई दर नहीं। हे वाहे गुरु, गुरु रामदास जी, मेरे पास तेरे दर के सिवा कोई दर भी नहीं, कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भीतर से पुकार उठी, सरोवर के किनारे जाके बैठ गया कि इन पंक्तियों का भाव, डिठे सब्बे थाव नहीं तुझ जेहे अपाच्छा, कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा, अगर तेरे दर के जैसा कोई दर नहीं, मेरा दुख दूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जैसे उसके मन की पुकार निकली, भीतर से आवाज आई हरमंदर साहब के अंदर से, कीर्तनियों ने कीर्तन शुरू किया, क्या शब्द पढ़ा, श्रवण कीजिए। साहेब निताड़े आका पर तरसेम सिंह के हृदय से अरदास निकली, गुरु रामदास जी के चरणों में वह अरदास सुन ली गई साथ संगत।
महापुरुष वचन किया करते थे, ये जुगती है, इसे अपना लो। कहते थे मन में कोई सवाल हो, मन परेशान हो, समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, दो रास्ते दिखाई दे रहे हों, पता ना चले गलत कौन सा है सही कौन सा। कहते थे जब दरबार जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मन में अरदास करके जाओ, पाचा जो पंक्तियां पहले सुनाई देंगी वो मैं तेरा हुक्म सुनूंगा, समझूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन ये जो कीर्तन कर रहे होंगे, जो पंक्तियां गा रहे होंगे, वो मेरे लिए तेरा हुक्म होगा। और सच जानना, वाणी गुरु गुरु है, वाणी गुरु है, गुरु वाणी के रूप में जवाब देता है, समझाता है, रास्ता दिखाता है। यहां पढ़ते हैं सेम सिंह के हृदय से आवाज निकली, वहां पर हरमंदिर साहब के अंदर से कीर्तनों ने कीर्तन शुरू किया। साहेब ने ताणिया का ताण, आए ना जाए स्थिर सदा, गुरु शब्दी सच जान। आगे क्या है श्रवण कीजिए। जाको मुश्किल अत बने, कोई कोई न दे, लागू हो वे दुश्मना, साख पिपज खने, सबो भजे आसरा, चूके सब असरा, चित से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये पंक्तियां जैसे ही तरसेम सिंह के कानों में पड़ी, सुरत जुड़ गई शुक्राने में, क्योंकि ज्ञान था ये बाणी गुरु रामदास जी बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हौसला आ गया कि चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ, हौसला आ गया, मन जुड़ गया, शब्द चलता रहा। तरसेम सिंह खुद लिखता है साथ संगत जी, कहता जब ये पंक्तियां आई, श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापे रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, कौन करे चौक से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तरसेम सिंह लिखता है जब ये पंक्तियां आई ना, देखो चिंता बहुत बहुत, देह व्यापे रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरक कदे सोग, गौण करे चौ कुंट का, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। कहते जैसे वाणी की ये पंक्तियां आई, उसी वक्त मुझे खांसी आने शुरू हो गई। मैंने खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि लोग बहुत बैठे थे, उनकी वृत्ति खराब होगी, ध्यान टूटेगा, पर अंदर से इतनी जोर से खांसी आई कि मेरी चीख निकल गई, और उस चीख के साथ मेरे गले में से 150 से 200 ग्राम बड़ा एक मांस का लोथड़ा बाहर गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा लोथड़ा मेरे गले से निकला कैसे, 150 से 200 ग्राम का सूखा हुआ मांस का लोथड़ा गोला। कहने लगा मेरे गले में हजूरिया था, इसे हजूरिया कहते हैं। उसने उससे ढक दिया और मुंह पे हाथ लगा के देखा, कहां से खून तो नहीं निकल रहा। हैरान हो गया, पूरा हजूरिया मुंह में डाल दिया, एक बूंद खून की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा मैं हैरान हो गया, मेरे शरीर में जो दर्द था वो खत्म, शरीर एकदम हल्का हुआ हुआ है, आंखों में आंसू आ गए कि गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी, मन जुड़ गया शुक्राने में।
कल मुझे तो यकीन हो गया कि मेरा रोग खत्म हो गया, मन जुड़ गया शुक्राने में। कई घंटे मेरी बिरती जुड़ी रही, समाधि लग गई मेरी। कई घंटों के बाद जब मैं उठा घर गया, सबको बताया पर सब यकीन ना करें। जबरदस्ती डॉक्टर्स के पास ले गए, सारा चेकअप किया, 3-4 बार चेकअप कराया। डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट में नामो निशान नहीं है कैंसर का, निशान तक नहीं। गुरु रामदास जी का दर साथ संगत जी, ये एक घटना दास सुना रहा है, वहां पे रोज ये घटनाएं होती हैं, रोज। आप जहां पर दुग्भंजनी बेरी है वहां बैठ जाओ, किताब लेकर रात को बैठ जाओ, आपको रोज चमत्कार दिखाई देंगे, रोज। वीडियो तो कभी कभी वायरल होती है ना कोई, वहां पर रोज होता है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ध्यान से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या बताऊं मैं, उन महापुरुषों की बात याद कर लिया करो जो दास ने कुछ साल पहले बताई थी। मैं वहीं था उस वक्त, हरमंदिर साहब में दास की कीर्तन की ड्यूटी थी। शॉर्ट में दास याद दिला रहे, कई संगत नहीं है हिंदू धर्म के महापुरुष जो आज भी कीर्तनों के पीछे कई बार बैठे होते हैं। आकर जहां से हम घंटाघर से प्रवेश करते हैं, जहां से आम लोग सब ऊपर से नीचे उतरते हैं पैर धोकर, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। जितने भी दर बने हुए हैं सारे संसार में, सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। कोई भी गुरुद्वारा ले लो, सीढ़ी चढ़कर जाओगे। एक गुरु रामदास जी का दर है, सीढ़ी उतरकर जाना पड़ता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने किस प्रकार बनाया है, समझाया है, अगर कुछ पाना है तो उतर कर आ, भाव मन को भी उतार कर आ, नीचे झुक कर आ। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। वो महापुरुष जब उन्होंने जहां पर पैर धोते हैं, पैर धोए अंदर गए, सीढ़ी उतर नहीं पाए, गिर गए जोर से, शरीर कांपने लगा उनका। सेवादार बुलाया, सेवादार से कहते चुप कर जाओ। कितने समय वहां बैठते रहे, आंखें फटी की फटी, आंखों में आंसू, देख देख कर हैरान हो रहे हैं। आखिर में वो जोर से बोले, भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब कहते हैं, भाई क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेरे मित्र साथ में थे उनके। कहने लगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है। वो कहने लगे, आप रोज यहां पर आते हो, मैं पहली बार आया हूं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे मित्र कहते हैं, हम हैरान हो गए, हम रोने लग गए, आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो सही। वो कहने लगे कि जिन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मैं सारी सारी रात जागता हूं, वो यहां पर अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। विचार करने वाली बात है, अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है। वो महापुरुष कई हफ्तों तक सरोवर के किनारे बैठे रहे, कई हफ्तों तक, पूरा पूरा दिन सरोवर के किनारे बैठे रहना बस। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। ये वो दर है सात संगत जी, कोई श्रद्धा से जाए तो सही, खाली आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। वो साइंटिस्ट बिना श्रद्धा के गया था, सबने वीडियो देखी होगी, अमेरिका का साइंटिस्ट, नासा का वैज्ञानिक, बिना श्रद्धा के गया था, मौत लिखी थी, लेटा हुआ था कि मरना ही है, उठकर बैठ गया। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं चारे कुंडा पालिया, तुद जेवड ना साया। मैंने सारी सृष्टि को देख लिया, तेरे जैसा कोई नहीं वाहेगुरु। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े, साईया साईया
बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस दर को वर दिया। ये दास ये बात ना हर साल बताता है, मेरा मन होता है कि दुख दूर हो जाए लोगों के। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई डिप्रेशन में हो, कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, मन चलता जा रहा है, दिमाग चलते जा रहा है, शांति नहीं है मन को, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन है, जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी पर पांव रखेगा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। थोड़ा समय निकाल कर, कुछ दिन निकाल कर वहां पर अकेले भक्ति करके आया करो, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। दास अपनी बैटरी चार्ज करने जितनी बार हो सके वहां जाता है, वहां जाते ही बैटरी चार्ज हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी सुस्ती पड़ती हो नाम जपने में, अमृत वेला ना बनता हो, मन नीचे गिर गया हो, गुरु रामदास जी के दर पर केवल बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, केवल बैठ जाओ, जाके बाहर सुरत ऊपर उठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। रविंद्र नाथ टैगोर जी जब पहली बार हरिमंदर साहब आए, माथा टेका, समाधि लग गई क्योंकि सुरत ऊंची उठी हुई थी। जो सेक्रेटरी साथ में था, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थी, 3 दिन के लिए हरिमंदर साहब आए थे, पंजाब में आए थे, पंजाब का दौरा था उनका। और जब बड़ा आदमी कोई आता है तो उसकी फिक्स शेड्यूल होता है, 15 मिनट यहाँ, आधा घंटा यहाँ, दिन में 20 काम होते हैं अलग अलग, सबको टाइम दिया होता है, चीफ मिनिस्टर से लेके कई लोगों को, सबको मिलना होता है। 3 दिन का टाइम था उनका पंजाब के दौरे का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अमृतसर आए, माथा टेका, समाधि लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सेक्रेटरी ने बड़ी, पहले तो चुप रहा काफी देर तक, 15 मिनट बीत गए तो हिलाया, आवाज दी तो जवाब नहीं दिए, हिलाया, कहने के टाइम हो गया है, दूसरों को टाइम दिया हुआ है, यहाँ का केवल 15 मिनट रखे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये बात ना केवल वो समझ सकता है सत्संगत जी, जो दर्शनों की भावना से जाए, जो घूमने जाते हैं वो नहीं समझ सकेंगे, जो वहां जाकर सेल्फी निकालने वीडियो बनाने जाते हैं वो इस बात को नहीं समझ सकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये अपने मन में झांकने में वहां क्या करने जाते हैं, लोगों को दिखाने वहां गए कि आनंद लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगर वहां जाकर भी सेल्फी खींचने का मन कर रहा है, फोटो खींचने का मन कर रहा है, समझ लेना सूरत गिरी हुई है, ध्यान ही नहीं रहना चाहिए वहां जाकर तो, कि फोन है कहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जब उसके सेक्रेटरी ने हिलाया, 15 मिनट हो गए, उन्होंने सीधा सवाल किया कि कितने दिन का समय है पंजाब का, कहने लगे 3 दिन का, कहाँ कहाँ जाना है उसने बताना शुरू किया, उन्होंने इशारा किया, कहने लगे 3 दिन का सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो। सेक्रेटरी परेशान हो गया कि सबको जवाब उसे देना पड़ता है, वो कहने लगा कि सबको क्या जवाब देंगे, कहने लगे जो मर्जी कह दो, अब 3 दिन तक मुझे यहां से हिलना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्या पाया उन्होंने, क्या देखा, इतना बड़ा आदमी रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्हें लोग संत कहते हैं, जब बैठे वहां पर 3 दिन तक, केवल कहते थे 2 या 3 घंटे आराम करने, स्नान करने जाते थे, पूरा टाइम हरिमंदर साहब में बिताते थे, और जाते हुए 3 दिन के बाद आंखों में आंसू लिख कर गए वहां की किताब में। सब लोग वहां पर ना, कोई बड़ा आदमी आता है तो लिख कर जाता है किताब में, लिख कर गए कि हरिमंदर साहब में से मेरा शरीर जा रहा है, आत्मा में यही छोड़कर जा रहा हूं, ये लिख कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वही जानता है जिसकी आत्मा वहां पर रहती है सुरत से। दास ऐसे लोगों की संगत मिली है गुरु की कृपा से, जो सुरत से हरिमंदर साहब के दर्शन करते हैं, सुरती से कैसे, आंखें बंद हैं, अमृत वेले जुड़े हुए हैं, सुरती से अंदर जाते हैं, पैर धोते हैं, चप्पल उतारते हैं, चप्पल घर में चलकर पैर धोते हैं, फिर माथा टेकते हैं नीचे जाकर,
इस प्रकार पूरी परिक्रमा करते हैं, एक जगह पर माथा टेक कर सुरती से पूरे हरमंदिर साहब के दर्शन कराते हैं। और ज्ञानी सनसिंह जी मस्किन जी ने तो पूरी घटना सुनाई है लंदन की, कि वहां पर एक अंग्रेज घर में ले गया मुझे। उस जमाने में तब मोबाइल भी नहीं थे, कैमराज भी नहीं थे। कहते मुझे, कहता है हरमंदिर साहब की बहुत बड़ी फोटो लगी थी उसके दीवार पर। वो अंग्रेज कहता है, मैं एक बार हरमंदिर साहब होके आया हूँ, मेरी सूरत इतनी ऊंची उठ गई। दास बड़ी शॉर्ट में बता रहा है बात, सूरत मेरी इतनी ऊंची उठ गई हरमंदिर साहब से, कि मैं जब यहाँ पे ध्यान लगाता हूँ तो मुझे हरमंदिर साहब का कीर्तन सुनाई देता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। मस्किन जी कहने लगे, मुझे लगा है ऐसे ही फेंक रहा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। बड़ा चढ़ा कर बता रहा है। तो मस्किन जी कहने लगे, जरा आप बताओ समाधि लगा के कौन सा शब्द चालू है। तो जब उस अंग्रेज ने समाधि लगाई, अंग्रेज ने साथ संगत जी यहाँ पर एक बात दास खोल के बता दिया, भगवान को पाने का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धी हो, कोई भी हो, जिसने अपना जीवन संभाला है वो प्रभु को पाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मत अहंकार करना कि मैं सिख हूं बड़ा हूं, मैं हिंदू हूं बड़ा हूं, मैं मुसलमान हूं बड़ा हूं। गुरु नानक पाशा कहते हैं, बड़ा वो जिसे गुरु प्यार करे। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। उसने समाधि लगाई उस अंग्रेज ने, थोड़ी देर बाद बताया कि ये शब्द चालू है। मस्किन जी कहने लगे, मैंने उसी वक्त फोन घुमाया और पूछा कि दरबार साहब में इस वक्त कौन सा शब्द चालू हो। तो वही शब्द बताया जो उस अंग्रेज ने बताया। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। लंदन में बैठ के सुरत जोर कर बता रहा है कि हरमंदिर साहब में कीर्तनी कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं। ये अवस्थाएं होती हैं। दास इसलिए बात करता है कि हमें पता चले हमारे पास क्या क्या नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। ऐसे नहीं अंकार में बैठे रहे, अमृत ले उठते, हम नाम जपते, हम बहुत ऊंचे उठ गए, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पाया है। अभी रास्ता शुरू किया है चलना, बहुत कुछ पाना है, बहुत सारी मंजिलें हैं, आनंद ही आनंद है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। हम तो खाने के रस से ऊपर नहीं उठे, कल भी बात निकली थी। आगे ऐसे ऐसे रस हैं जिसे उस वो आगे प्रकरण आएंगे, गुरु मेहर करेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अब जब ये गाय ना साइया, मैं चारे कुंडा पा लिया तो जेवर ना साइया। सबकी आंखें बंद हो, पीठ सीधी करो, आंखें बंद, ध्यान गुरु रामदास जी के दर का, सुरती से दर्शन करो गुरु रामदास जी के दर के। ये वो दर है सत्संग जी, जरा विचार करो, जहां पर हमारे गुरुओं ने केवल एक मिनट के लिए भी कहीं विश्राम किया ना, वहां पर गुरुद्वारा है। यहाँ पर गुरुओं ने अपना जीवन बिता दिया। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर पर गुरु रामदास जी के, गुरु अर्जन देव जी महाराज के, गुरु हरगोविंद साहब जी के चरण पड़े हुए हैं। सारे गुरुओं के, गुरु तेग बहादुर साहब जी, सारे गुरुओं के वहां पे एक एक सेंटीमीटर पर चरण पड़े हुए। क्या वाइब्रेशन है वहां की। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी। आओ सब मिलकर गायन करें सुरत गुरु रामदास जी के दर की। साईया 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 एक बार दास, एक बार सारी संगत। साईया 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 साई। साईया मैं चारे कुंडा पालिया तुझ जे वडना साईया। ओ मैं
धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आज एक बेनती है, 5:15 से पहले ना उठना, 15 मिनट से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रकरण बड़ा है, काफी पॉइंट रह जाते हैं बताने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हाँ जरूरी भी है, लिख के आया कि जितनी संगत अंदर बैठी है उससे ज्यादा KFC तक संगत बैठी है आज बाहर, रोड पूरी ब्लॉक है। तो अगर आप उठ भी गए तो आप उठ भी गए तो बाहर जा नहीं पाएंगे। आज थोड़े सा सेवादारों ने कुछ आतिशबाजी भी शायद रखी है अंदर थोड़ी सी, और एक पॉइंट लेकर फिर वो धुनी लगाएंगे गुरु रामदास जी के। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। शुक्र है गुरु रामदास जी। एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि गुरु रामदास जी कैसे पुकार सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी पंत के महान लिखारी, वो अपनी किताब में एक बात लिखते हैं, कहते हैं मैं एक बार, उनकी एक स्वभाव था, हरमंदर साहब रोज जाते थे उनके, बड़ी लंबी घटना फिर दास शॉर्ट में बताता है कि हरमंदर साहब जब दर्शन करके रोज वापिस जाते थे ना, तो बाहर निकल कर एक बात जोर से कहते थे, वो क्या, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दम मोहताज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। क्या कहते थे, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे मैं रोज, मेरा स्वभाव है जब बाहर निकला मैं माथा टेक के जाने लगा पीठ करके, तो मैंने ये बात जोर से कही, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दम मोहताज। तो कहने लगे मेरे पास में एक आदमी खड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हिंदू भाई खड़ा था, उसने हाथ पकड़ लिया। कहने लगा क्या सचमुच गुरु रामदास जी को जो आप जो कह रहे हो, अगर ये कहने से मोहताज की खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आदमी किसी चीज का मोहताज नहीं रहता। भाई वीर सिंह जी कहने लगे मुझे अपने गुरु पर, गुरु रामदास जी पर पूरा विश्वास है, कोई हृदय से एक बार भी अगर कह देना ये बात, उसकी मोहताजगी खत्म हो जाती, मोहताजगी बहुत बड़ा अवगुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शराब का मोहताज है, शराब के बिना नींद नहीं आती, कोई मांस का मोहताज है, कोई वासना का मोहताज है, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का, ये आदमी सिगरेट का मोहताज था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा तुझे कैंसर हो सकता है, मैं चेन स्मोकर हूँ, मेरे घर वाले मुझसे रोज लड़ते हैं कि सिगरेट मत पियो, कैंसर हो जाएगा, क्योंकि दिन रात कहते मेरी हालत यह है कि मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए चैन से खड़ा हूँ क्योंकि गुरु रामदास जी का दर है, बाहर जाते ही सिगरेट जला लूंगा, एक के बाद एक सिगरेट खत्म होती है, दिन में कई पैकेट पी जाता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, मोहताज की मैं परेशान हो गया हूँ, छोड़ना चाहता हूँ छूटती नहीं, मैं उसका मोहताज हो गया हूँ। क्या मैं अगर मैं कहूंगा धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज, तो क्या मेरी सिगरेट की आदत छूट जाएगी, मोहताज की छूट जाएगी। भाई वीर सिंह जी कहने लगे कह दे जोर से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे उसका नाम था मिस्टर शर्मा करके नाम था, उसने जोर से कह दिया, क्या कहा, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। यहां से चला गया वो, भाई वीर सिंह जी भी चले गए।
ऑफिस में जाके बैठा है। थोड़ी देर कंट्रोल किया कि गुरु रामदास जी के दर पे होके आया, नहीं पीता हूं। ऑफिस पहुंचा, आदत पड़ी है, ध्यान ही नहीं है। जैसे सिगरेट उठाई, डब्बी पे हाथ गया, कोई आ गया कमरे में, रुक गया, बातें करने लगा, काम करने लगा। वो चला गया, जैसे ही दूसरी बार डब्बी पे हाथ लगा, उठा डालने के लिए उठाया हाथ, फिर कोई आ गया, फिर काम की बात करने लग गया, काम हो गया, वो आदमी चला गया, फिर से डब्बी उठाने लगा, फिर कोई आ गया। इस प्रकार चार बार हुआ सात संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये कहता है कि मैं सोच में पड़ गया कि ये कोई चमत्कार हो रहा है, जैसे ही डब्बी को हाथ लगाता हूं कोई आ जाता है। ये मेरा वहम है कि गुरु रामदास जी की शक्ति वर्त रही है, क्योंकि सुबह कह के आया, पहला दिन है। कहने का पांचवी बार जब डब्बी को हाथ लगाया तो कोई नहीं आया, तो मेरे मन को लगा ये वहम ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने का पर जैसे ही मैंने डब्बी खोलने लगा, ये उसके अपने अक्षर हैं, कहते जैसे डब्बी खोलने लगा मेरे हृदय में से एक आवाज उठी, क्या तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, मेरे भीतर से, मैं कोई गुरु रामदास जी का भगत नहीं, ऐसा नहीं मैं रोज जाता हूँ, कभी कभार माथा टेक आता था, भीतर से ऐसी धुनी उठी गुरु रामदास जी की, गुरु राम धन गुरु रामदास जी की, कि मेरा सिगरेट पीने का मन ही नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते सुबह से लेके शाम हो गई, मेरे भीतर वो धुनी चलती रही। शाम को पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने वो सिगरेट की डब्बी उठा के जोर से रास्ते पर फेंकी बाहर, और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। धन गुरु रामदास जी। एक बार कहा केवल श्रद्धा से, क्या धन गुरु रामदास, रखी गरीब की लाज, करी ना किसे दा मोहताज, उसकी मोहताजगी खत्म हो गई, गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये जुगतियां हैं अपना लो, मेरे गुरु रामदास जी के दर पे कोई जाए, कोई खाली आ ही नहीं सकता, बशर्ते जाने का ढंग आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मस्ती करते हुए, खाते पीते, नाचते गाते हुए अगर जाएंगे तो कुछ प्राप्त करके नहीं आएंगे। सिमरन करते हुए जाओ, जब भी किसी भी तीर्थ पे जाओ, तीर्थ वही है जहाँ नाम है, नाम के बिना तीर्थ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, कोई मर्यादा से जाए गुरु राम, घर से अरदास करके मैं इतने पाठ करते हुए जाए, रास्ते में नित्यनेम करता हुआ जाए कि इतने पाठ करने हैं। कहते थे गुरु रामदास जी बाएं फैला कर वे उसका इंतजार करते हैं कि कब आएगा, उसकी इच्छा पूरी करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई कोई मर्यादा से जाए, सत्कार से जाए, दर्शन करने जाए, घूमने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारे प्रोग्राम कैसे होते हैं, पहले गुरु रामदास जी के दर जाना है, फिर किसी हिल स्टेशन जाना है, फिर उसके बाद आगे कहीं और जाना है, फिर वहाँ पे यहाँ यहाँ घूमना है। केवल गुरु रामदास जी के दर के लिए जाइए, केवल केवल उनके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आइए अब धुनी लगाएंगे, गुरु नानक मेहर करें सुरत जोड़कर, और आपको जो करना है भाई कीजिए, धुनी लगाते हैं। धन गुरु नानक, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
रामदास जी निठे सबे था निठे सबे था नहीं तुझे Wow.
धन गुरु रामदास जी, 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 बोले सारी संगत को, सारी संगत को गुरु रामदास जी के अवतार पूर्व की कोट कोट बधाई हो। सारी संगत को सारी संगत मिलके बुला दो एक जकारा। सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।